हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडर इंटरेस्ट पे। आज मैं आपके साथ गीता प्रेस, जो कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी किताब छापने वाली पब्लिशिंग हाउस है, उसके संबंधित कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। बट उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल रंग का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर आप प्लीज़ उस पर क्लिक कीजिए और लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ कुछ मैं गीता प्रेस की जानकारी शेयर करूं। गीता प्रेस हिंदू धर्म की ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी किताब छापने वाली पब्लिशिंग हाउस है, आप ही समझ लीजिए। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में दो व्यापारियों ने की थी। दोनों व्यापारियों का नाम था जयदयाल जी एवं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। अब तक कुल 410 करोड़ किताबें, हाँ दोस्तों, 410 करोड़ किताबें गीता प्रेस छाप चुका है और इसकी संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। करीब 75 करोड़ प्रतियां गीता की छप चुकी हैं और 72 करोड़ प्रतियां तुलसी दशक की छप चुकी हैं। गीता प्रेस के ऐप्स भी हैं, इसकी साइट भी है, आप उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें गीता प्रेस ने छापा है। ये कुल इनकी 19 शहरों में, सिटीज़ में बुक स्टॉल हैं। मोस्टली स्टेशन्स पे होती है। स्टेशन पे दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही सस्ता होता है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ऐसे इसकी कीमतें होती हैं। और जो लोग सफ़र करते हैं, लंबी सफ़र होती है ट्रेन से, आप तो जानते ही हैं, तो उसमें लोग काफ़ी परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ज़्यादा स्टेशन पे ही स्टॉल रहता है। ये अभी तक 9 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। तो दोस्तों, ये तो इनके गीता प्रेस के बारे में हो गया। अब काफ़ी सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि क्या गीता प्रेस बंद हो गया या क्या बंद होगा। तो दोस्तों, ये सब सारे रूमर्स हैं, थोड़े एम्प्लॉयर के बीच में वेजेस, जो वेतन होते हैं, उसको लेके प्रॉब्लम चलती है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद होगा। गीता प्रेस बहुत पुराना पब्लिशिंग हाउस है, चलता ही रहेगा और हमारी सबकी शुभकामनाएं है कि ये चलता ही रहे। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।